निमियाघाट थाना क्षेत्र के चंदन कुरवा से अवैध कोयला लदे ट्रक और डंप किए हुए कोयले को आईजी द्वारा गठित टीम और निमियाघाट पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर जब्त किया। इस दौरान ट्रक चालक और खलासी को हिरासत में लिया गया। गुरुवार की सुबह की गई छापेमारी में जब्त ट्रक और कोयला को लेकर पुलिस कार्रवाई में जुट गई। वहीं बताया जाता है कि आईजी को गुप्त सूचना मिली थी कि ट्रक में अवैध कोयला लदा है और वह मंडी की ओर जाने वाला है। सूचना पर आईजी ने एक टीम गठित कर स्थल पर भेजा, जो निमियाघाट पुलिस के साथ चंदन कुरवा रोड पर ही कोयला लदा ट्रक को जब्त करने में सफलता प्राप्त की। साथ ही यूएमएस टहरवा के पास बड़े पैमाने पर कोयला डंप कर तिरपाल से ढककर रखा गया था, उसे भी जब्त कर थाना ले जाया गया। जबकि इस दौरान ट्रक चालक नावाडीह प्रखंड के खरपीटो निवासी फिरोज अंसारी व उपचालक रियासत अंसारी को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने मामले में ट्रक मालिक करगली निवासी मुन्ना सिंह, अवैध कोयला का धंधेबाज नावाडीह थाना क्षेत्र निवासी मुन्ना मियां और जिब्राइल अंसारी समेत दोनों गिरफ्तार लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज करने की प्रक्रिया में जुट गई है। गौरतलब हो कि डुमरी फुसरो पथ से गिरिडीह पथ की ओर दर्जनों बाइक से प्रतिदिन कोयला की ढुलाई की जाती है, जबकि फुसरो की ओर से भी दर्जनों ऑटो में बोरियों में भरकर कोयला लाया जाता है। किसी की गिरफ्तारी ड्राइवर और इसकी भी और ट्रक पकड़ा गया है और इसमें अंतिम कार्रवाई कितना एक ट्रक से कुछ ज़्यादा है।